तो बहुत ज्यादा भयंकर वाली बात जो है वो हो चुकी। भाई ने जो है वो खरीद लिया है आईफोन, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसको जो है वो कैसे यूज करें और कैसे प्रो यूजर की तरह जो है वो अपने आईफोन 15 प्रो को जो है वो यूज करो। ये बैनिटी अपन फोन ले तो लेते हैं लेकिन काफी सारे फीचर जो है वो सामने होते हैं, अपन यूज कर लेते हैं लेकिन काफी सारे फीचर जो है वो हिडन होते हैं जो कि अपन यूज नहीं कर पाते, अपने को पता नहीं पड़ता कि अपने फोन में ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं। इस वाली वीडियो के अंदर मैं वो सारे सारे फीचर बताऊंगा, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथ में है इस वक्त आईफोन 15 प्रो ब्लैक कलर के अंदर जो है मैंने मंगवाया है, और जो लॉक स्क्रीन है जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑन है। आप जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो सेटिंग्स के अंदर जाके, आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद डिस्प्ले के अंदर जाना है और डिस्प्ले के अंदर जैसे आप नीचे करोगे तो फिर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन जो है वो आएगा और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जो है वो आप ऑन कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शो वॉलपेपर को जो है वो ऑफ कर दो, क्योंकि जब आप वॉलपेपर ऑन करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को देखते हो तो एक तरीके से काफी ज्यादा अजीब सी जो है वो लगती है, पूरी पूरी तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली फिनिश जो है वो नहीं देती। लेकिन जैसे आप उसको ऑफ करते हो तो वाकई में पहले जो है वॉलपेपर दिखता है और जैसी डिस्प्ले लॉक हो जाती है लाइक बंद हो जाती है तो फिर सिर्फ आपको घड़ी और आपके विजिट्स वगैरह दिखते हैं, बाकी सब कुछ जो है वो हिडन हो जाता है। तो ये जो है वो काफी ज्यादा मस्त लगता है। सेकंड फीचर जैसे कि देख सकते हो मैंने मेरी पूरी पूरी लॉक स्क्रीन को जो है वो कस्टमाइज कर रखा है, इसके मैंने पूरी पूरी वीडियो बना रखी है टू बी ऑनेस्ट कि आप कैसे इतना एस्थेटिक लुक जो है वो ला सकते हो, क्योंकि अपेरेंटली ब्लैक कलर का फोन है, ब्लैक कलर की साइड रेल्स है और यहाँ ब्लैक कलर के वॉलपेपर के साथ में ब्लैक कलर के आइकन्स बहुत ही ज्यादा मस्त वाली लुकिंग जो है वो इस वाले फोन को देते हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा क्लासी जो है वो लगता है। तो सर वीडियो की लिंक जो है मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो, काफी सारे लोगों ने जो है वो उससे अपना फोन को जो है वो कस्टमाइज करा अपने आईफोन को। थर्ड फीचर की तरफ मैं बढ़ूं तो फिर वो है आपका नॉइस कैंसिलेशन इन कॉल्स। तो बेसिकली जब आप किसी के साथ में जो है वो कॉल पर होते हो, जैसे कि लोग देख सकते हो मैंने नेथन ड्रेक को जो है वो कॉल मिला रखा है फॉर सम रीजन, तो आसपास अगर आवाजें आ रही होंगी तो फिर ये जो है वो ऑटोमेटिकली उन आवाजों को कम कर देगा। आपको बस यहां से जो है वो स्वाइप डाउन करना पड़ेगा और यहां पे माइक मोड जो है वो आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस वाले माइक मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर यहां पे आपके ऑप्शंस जो है वो खुल के आ जाएंगे और इसके अंदर आप जो है वो वॉइस आइसोलेशन ऑन कर सकते हो, उसकी वजह से जो है वो आसपास की आवाजें जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी आपके, आप जिससे भी जो है वो कॉल पे बात कर रहे हो। तो ये काफी ज्यादा सही फीचर होता है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा कॉल वगैरह करते हैं, हमेशा कॉल वगैरह पे रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह जो है अटेंड करते रहते हैं, लेकिन उनको जो है वो शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगले फीचर की तरफ आऊं तो फिर वो ऑब्वियसली अपने एक्शन बटन के अंदर आता है, तो फिर आपको एक्शन बटन जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जो सा भी एक्शन बटन जो है वो लगाना है आप इसमें लगा सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो कैमरे वाला ही लगाओ, लाइक कैमरे वाला जो है वो काफी ज्यादा मस्त रहता है। मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस डाल रखी है मेरे एंड्रॉइड फोन के अंदर, उसके अंदर मैंने कैमरे वाले लगा रखा है और सिर्फ और सिर्फ कैमरे वाले को जो है वो और भी ज्यादा लेवल्स के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर टैप करके रखोगे तो फिर सारे के सारे मोड जो है वो खुल जाते हैं और इस मोड के अंदर आपको फोटो दिखता है, सेल्फी दिखता है, वीडियो दिखता है, पोर्ट्रेट तक जो दिखता है और पोर्ट्रेट वाली सेल्फीज भी जो है वो दिखती हैं। हालांकि मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो इसको फोटो के ऊपर ही सेट करो, क्योंकि बेसिकली वो सारी की सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले फीचर से ही जो है वो एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्शन बटन को होल्ड करके रखूंगा तो ऑटोमेटिकली कैमरा खुल जाएगा, जैसे मैं एक्शन बटन को वापस दबाऊंगा तो फोटो भी खिंच जाएगी, लेकिन अगर मैं उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखूंगा तो फिर वीडियो भी जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। और बात रही पोर्ट्रेट वाले मोड के, पोर्ट्रेट वाली सेल्फी की, तो पोर्ट्रेट्स को जो है वो बाद में भी एडिट कर सकते हो, ये जो है वो अपना अगला हिडन फीचर है। तो बाकी में फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो है वो फोटो किस भी मोड के अंदर खींची, जैसे आप गैलरी वगैरह में जाके उस वाली फोटो को एडिट करोगे, एडिट का बटन दबाते ही आप जो है यहाँ पे तीसरी सेटिंग जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे लिटरली पहली सेटिंग जो है वो यहाँ पे फोकस की आ रही है और यहाँ से जो है वो आप फोकस को जो है वो बढ़ा और घटा सकते हो, लाइक पीछे जो है वो आपको कैसा फोकस चाहिए और आगे जो है वो कैसा फोकस चाहिए। और जैसे कि लोग देख सकते हो एक स्क्वायर जो है बना हुआ है मेरी शक्ल पे, अगर मैं सर स्क्वायर को जो है वो पीछे की तरफ ले जाता हूँ तो ये पीछे वाले पार्ट को फोकस कर देता है और आगे वाले पार्ट को अनफोकस कर देता है। तो लिटरली इस वाले डिवाइस से ली हुई हर एक फोटो जिसके अंदर एक बंदा आता है वो सारी की सारी फोटोज जो है पोर्ट्रेट मोड की होती है, भले से आपने उसके अंदर खींची हो या फिर नहीं खींची हो, आप पोस्ट में जाके जो है वो सारी की सारी फोटोज को एडिट कर सकते हो। उसके साथ साथ काफी सारे आईफोन के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है कि बैटरी जो है वो काफी ज्यादा जल्दी जो है वो खत्म हो जाती है, तो इसलिए जो है वो सेटिंग्स के अंदर जाके आप यहाँ पे बैटरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इस बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग को जो है आप जैसे दबाओगे तो फिर यहाँ पर जो है वो आपको चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। इसको दबाने के बाद आप 80% की लिमिट जो है वो 110% ऑन कर देना, क्योंकि जैसे ही आप 80% की लिमिट जो है वो ऑन करोगे तो 80% से ज्यादा जो है ये चार्ज नहीं करेगा आपके फोन को और उससे जो है वो बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। मैंने मेरे OnePlus के अंदर भी जो है वाले फीचर डाला, क्योंकि OnePlus के अंदर काफी ज्यादा तेज जो है वो फास्ट चार्जिंग होती है और इसके अंदर जो है मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम डाल रखी है और इसके अंदर ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन आता है, जिससे जो है मैं बैटरी लेवल को जो है वो स्टॉप चार्जिंग जो है वो कर देता हूँ 80% तक होते ही, उससे जो है वो बैटरी लाइफ काफी ज्यादा जो है वो लंबी चलती है और ओवर चार्जिंग की वजह से जो है वो बैटरी को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद एक और फीचर जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि थोड़ा सा पुराना फीचर है बट जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर
कर्सर को जो है वो स्पेस बार से कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर देते हो तो फिर आप स्पेस बार को अगर दबा के रखोगे तो फिर कर्सर को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो पैराग्राफ के बीच में, और कहीं पर भी ले जाके जो है वो कुछ भी एडिट कर सकते हो। बेसिकली ये वाली चीज जो है मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर भी कवर करी थी, तो काफी सारी ऐसे फीचर्स हैं जो कि उस वाली वीडियो में कवर करे थे, तो मैं इस वाली वीडियो में कवर नहीं करूंगा। अगर आपको वो वाली वीडियो चेकआउट करनी तो मैंने लिंक जो है वो दे रखी डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके साथ साथ अपन जो है वापस से कैमरे के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। तो फिर अगर आपको और ज्यादा हाई रेजोल्यूशन फोटोज जो है वो खींचनी है अपने नॉर्मल वाले कैमरा ऐप से, तो आपको सेटिंग्स के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आपको कैमरे के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मेट्स के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो हाई एफिशिएंसी से मोस्ट कंपैटिबल पे कर देना है, क्योंकि कुछ कुछ विंडोज वगैरह के अंदर या फिर कुछ कुछ चीजों के अंदर जो है वो मोस्ट कंपैटिबल ही चलता है, हाई एफिशिएंसी नहीं चलता है। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो फिर यहाँ पे आपको प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इसको टर्न ऑन करके आप जो है वो इसको JPEG Max के ऊपर जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो 48 मेगापिक्सल के अंदर आपका कैमरा जो है वो फोटोज खींचेगा। आप इसको चाहो तो प्रो रॉ पर भी जो है वो कर सकते हो, प्रो रॉ मैक्स पे, यहाँ पर भी जो है 48 मेगापिक्सल पे फोटो खींचेगा। तो मैं जो हूँ आपको दोनों के अंदर डिफरेंस जो है बता देता हूँ। अगर आप प्रो रॉ के अंदर खींचे तो फिर बाद में पोस्ट के अंदर आपको फोटो जो है वो एडिट करनी पड़ेगी Lightroom जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन JPEG Max जो है वो 48 मेगापिक्सल पे ऑलरेडी प्रोसेस्ड फोटो जो है वो खींचेगा, उससे जो है वो आपकी स्टोरेज वगैरह भी कम लगेगी। तो अगर आप एक धांसू वाले एडिटर हो जो कि बाद में अपना एक्सपोजर वगैरह वगैरह एडजस्ट कर सकता है, तो फिर आप जो है वो प्रो रॉ के अंदर ही खींचना, लेकिन वो जो है वो ज्यादा स्टोरेज खाएगी। अगर आप नॉर्मल बंदे हो, आपको जो है वो ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करनी बाद में, लेकिन आपको 48 मेगापिक्सल की फोटोज चाहिए, तो फिर आप जो है वो JPEG Max पर ही रखना है इस वाली सेटिंग को। बार-बार आपको जाके जो है वो सेटिंग्स ऑन करनी भी नहीं है। एक बार आपने ऑन कर दी सेटिंग तो यहां ऊपर की तरफ जो है वो प्रो रॉ का ऑप्शन आ जाएगा, आप जो है वो हमेशा इसको ऑन कर सकते हो, और आप इसको टैप करके होल्ड करके रखोगे तो फिर सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो यहीं पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। आप JPEG Max पर जो है वो स्विच कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो फिर आप प्रो रॉ के ऊपर जो है वो शूट कर सकते हो। अब जो है वो किसी भी इमेज को जो है वो सेलेक्ट करके आपको बस फोटो खींच, एंड वाकई में जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है उसकी डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। लाइक एक एक चीज जो है वो आप देख सकते हो, और ऑब्वियसली पोस्ट में जाके एडिट भी कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं सबसे ज्यादा मच एंटिसिपेटेड फीचर पे, और वो है लाइव वॉलपेपर की वापसी। मतलब पहले जो है वो iOS के अंदर ऐसा होता था कि आप नॉर्मल वॉलपेपर कोई भी लगा लो, उस पर आप टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली लाइव बन जाता था, बट जब से इन्होंने ये वाला यूजर इंटरफेस दिया तब से लाइव वॉलपेपर जो है वो बना नहीं सकते। वेल दैट्स नॉट द केस एनीमोर, लाइव वॉलपेपर्स की वापसी जो है वो हो चुकी है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे लगा हुए। तो आपको जो है वो सबसे पहले लॉक स्क्रीन पर जाना पड़ेगा और उसको टैप एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा, उससे जो है वो ये वाला यूजर इंटरफेस आ जाएगा, और फिर उससे जो है वो आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के बाद फोटोज के अंदर जाना, और फिर उसके बाद लाइव फोटो के अंदर जाना, और एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पर आपकी लाइव फोटो जो है वो शो हो रही हो। अभी मेरे पास ये वाली फोटो जो है वो जो मेरे कोवर्कर के साथ मैंने ली थी, एंड यहाँ पे आप हल्का सा एनिमेशन जो है वो देख सकते हो। जैसे आप इसको ऐड जो है वो करते हो तो ये हल्का सा एनिमेशन जो है वो देगा, बहुत ही ज्यादा सटल सा एनिमेशन है, लेकिन एनिमेशन जो है वो आ रहा है, और जैसे जैसे आप अच्छे लाइव फोटोज जो है वो खींचोगे तो उससे जो है वो एनिमेशन और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ अपन वापस से आ जाते हैं कैमरा ऐप के ऊपर। यहाँ से जो है वो आप एडिशनल लेंसेस को जो है वो ट्रिगर कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे 0.5x जो है वो आता है, और उसके साथ 1x, 2x और 3x। लेकिन अगर 1x को दो तीन बार दबाओगे तो फिर यहाँ पे अलग अलग मोड से जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको 24 देखने को मिलता है, 28 और उसके साथ 35, जो कि बेसिकली 1x है, 1.2x है और 1.5x है रिस्पेक्टिवली। इसको जो है आप सेटिंग्स जाके कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर कैमरा में जाना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे मेन कैमरा जो है वो खुल जाएगा, और यहाँ पे आप सारे सारे मोड जो है वो देख सकते हो। अगर आपको ये वाला फीचर जो है आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपको टोटली ऑफ करना है, तो फिर आप दोनों के दोनों कैमरा को जो है वो ऑफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट भी जो है वो सेट कर सकते हो कि 1x देखना है आपको, 1.2 देखना है, 1.5 देखना है। To be honest, 1.2 जो है वो literally best है, तो मैं जो हूँ वो यही recommend करूँगा आपको। उसके साथ साथ यहीं पर ही रहते हुए अपन जो है वो एक और चीज जो है वो देख लेते हैं। अगर आपको videos जो है वो log format के अंदर shoot करनी है, तो फिर आपको formats में जो है वो जाना पड़ेगा वापस से। और जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिर यहाँ पे आपको Apple ProRes का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इसको जो है वो टर्न ऑन कर देना, और आप यहाँ पर आओगे तो फिर आपको HDR, SDR और log format जो है वो दिखेगा। HDR जो है वो obviously पूरी प्रोसेस्ड होती है, लेकिन log format की फुटेज जो है वो आप बाद में कलर ग्रेड कर सकते हो। आपको बस वीडियो के अंदर जाना है और यहाँ पे प्रो रेज लॉग जो है वो शूट कर देना है। जैसे आप प्रो रेज लॉग जो है वो ऑन करोगे तो फिर ऐसी वीडियो जो है वो लिटरली शूट होएगी, बहुत ही ज्यादा धुंधली सी, बहुत ही ज्यादा अजीब सी, लेकिन आप बाद में इस वाली फुटेज को जो है वो कलर ग्रेड कर सकते हो और बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो बना सकते हो। बड़े बड़े कैमराज जैसे कि सोनी हो गया, DJI हो गया, वो सब लोग जो है वो लॉग फॉर्मेट जो है वो ऑफर करते हैं। सोनी के अंदर जो है वो एस लॉग आता है, निकॉन के अंदर एन लॉग आता है, तो वो हर एक कंपनी इनिशियल उठा लेती है और फिर लॉग जो है वो लगा देती है पीछे बेसिकली। तो एप्पल के अंदर मेरे ख्याल से अपने को अलॉग देखने को मिलेगा। उसके साथ 4K 60 FPS के अंदर जो है वो ProRes वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको USB-C से हार्ड ड्राइव या फिर SSD जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 10 GB ट्रांसफर जो है अपने को देखने को मिलेगा प्रो मॉडल्स के अंदर USB 3 के अंदर,
10 Gbps के जो है वो ट्रांसफर स्पीड देखने को मिल रही है। तो SSD या फिर HDD को ही जो है वो स्टोरेज की तरह यूज करेगा और आप जो है वो लगातार घंटों तक जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो जब तक फोन की जो है बैटरी नहीं जाती। मेरी प्रोरेस फुटेजेस जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है और जस्ट इन केस आईफोन के ऊपर शूट करते हो तो आईफोन से निकाल के अपने लैपटॉप पे जहां पर भी आपको एडिट वगैरह करनी है वो तो वहां पे लाइक ट्रांसफरिंग स्पीड में ही जो है वो काफी ज्यादा लंका लग जाती है। बट यही जो है वो USB-C का फायदा है, आपको जो है वो शानदार वाली ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है और इस वाली USB-C से जो है वो किसी भी आईफोन या फिर एंड्रॉइड डिवाइस को जो है वो चार्ज कर सकते हो। तो फिर आपको एक USB का एंड जो है अपने आईफोन के अंदर लगाना है और दूसरी USB का एंड जो है वो अपने एंड्रॉइड या फिर किसी दूसरे आईफोन के अंदर लगाना है और आप जो है वो उस वाले आईफोन को चार्ज कर सकते हो। मतलब आपकी बैटरी के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। अभी ये वाला फोन जो है वो मेरे आईफोन को जो है वो चार्ज कर रहा है तो बेसिकली यहाँ पर जिसमें भी ज्यादा बैटरी हुई उससे जो है वो आप चार्ज ले सकते हो। काफी ज्यादा कमाल का फीचर है, खास करके जो आपके वो दो डिवाइसेस हैं और आप जो है वो चार्जर घर पे भूल जाते हो लेकिन फिर भी आपको केबल की जरूरत जो है वो पड़ेगी। तो यही थे आईफोन 15 प्रो के हिडन एंड यूनिक फीचर्स। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। शेयर करने इस वाली वीडियो को उन लोगों से जो कि आईफोन 15 प्रो खरीदने की सोच रहे हैं या उन्होंने खरीद लिया है और उनको ये वाले फीचर्स जानने की जरूरत है। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ।